अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारे पास टॉपिक है सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन। हम ओजोन लेयर डिप्लीशन के डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इसके अलावा इससे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमारे पास एयर एंड वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो इफेक्ट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटीज को, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर। इसमें हमारे पास डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कॉज, अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से हमारे पास किसको इफेक्ट पड़ता है, एक इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा डैमेज इम्यून सिस्टम, इट ऑल्सो क्रिएट डिजीज इन एनिमल्स एंड ऑल्सो डैमेज प्लांट्स। कॉज ऑफ स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। सो ये हमारे पास इफेक्ट हैं ओजोन लेयर के। ओजोन लेयर डिप्लीशन में जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज क्रिएट होती हैं, ये बनती हैं, ये वजह बनती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को असर, मतलब उन पे इफेक्ट करती हैं, उनकी लाइफ पे इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है, एनिमल्स की डिजीज़ का सबब बनती है, बहुत सारे एनिमल्स बीमार हो सकते हैं, इवन ह्यूमन में स्किन कैंसर जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से है। उसके अलावा डिफरेंट प्लांट्स को डैमेज होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स डैमेज होते हैं ओजोन लेयर की वजह से। ये हमारे पास इसके इफेक्ट थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम ओजोन लेयर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिवेंट फ्रॉम ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है उसे किस तरह से बचा जा सकता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट सबसे पहले आपका आता है अवॉइड कंजप्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस विच इज प्रेजेंट ऑन एयर, रिड्यूस या मिनिमाइज द यूज ऑफ कार और व्हीकल्स, इसके अलावा रिड्यूस यूज ऑफ डिटर्जेंट्स विच आर हार्मफुल, हार्मफुल इसके अलावा इसमें नॉट यूज HCFC रेफ्रिजरेंट, और आपका प्रिवेंट में क्या आ जाते हैं, चेक लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट।
रेगुलर इंस्पेक्शन रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ एयर कंडीशन। ये हमारे पास डिफरेंट वेज आके कि आप ओजोन लेयर डिप्लीशन से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से इसको रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें आ गया अवॉइड कंजप्शन ऑफ गैसेस, जो आपकी गैसेस हैं उनसे उनको मज़ीद बढ़ाने, उसकी जो इमिशन है उसे अवॉइड किया जाए या उसको कम किया जाए, पहले से रिड्यूस किया जाए। उसके अलावा जो व्हीकल्स का इस्तेमाल है, कार्स का इस्तेमाल है, उनको कम किया जाए। जो डिटर्जेंट्स हैं, वो डिटर्जेंट्स जो आपके लिए हार्मफुल हैं उनका यूज़ कम किया जाए। नॉट यूज़ द HCFC रिफ्रिजरेंटेंट, जो आपके एयर कंडीशन AC वगैरह या आपके रेफ्रिजरेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो नॉर्मल यूज़ किए जाएँ, HCFC रेफ्रिजरेटर्स यूज़ ना किए जाएँ। उसके अलावा जो लीकेज सिस्टम है वो आपका चेकअप, उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उसका चेकअप करवाया जाए, और एयर कंडीशंस के रेफ्रिजरेटर्स की आपकी रेगुलर इंस्पेक्शन की जाए। ये हमारे पास डिफरेंट मैयर्स थे, डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसको प्रिवेंट किया जाता है, जो प्रिवेंट करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन को। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है प्रिवेंट ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, अफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर आपका एयर एंड वाटर का पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब पानी का और हवा का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे पास पानी जो है ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। इसमें डिफरेंट आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट वन पोल्यूटेंट लाइक सल्फर, सल्फर एक्सेसिव एसेक्स ऑफ एसिड इन वाटर बॉडीज। उसके अलावा मरकरी एंड अदर मेटल्स कंपाउंड। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दैट आर ओवरलोडेड इन एक्वेटिक इको सिस्टम। उसके अलावा आपका आ जाता है लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, टॉक्सिसिटी, वाटर पोल्यूशन इफेक्ट, इट कॉज द डेथ ऑफ डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स। ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा डिफरेंट इफेक्ट्स आ गए
एयर और वाटर पोल्यूशन के बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? जैसे हमारे पास सबसे पहले आ गया पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट जैसे सल्फर आ गया। अगर सल्फर की ज्यादती हो जाए तो इससे आपका पानी, जो वाटर बॉडीज होती हैं ओशन रिवर्स, इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जो कि इफेक्ट करती है एक्वेटिक एनिमल्स को। नेक्स्ट आता है, अगर मरकरी और या दूसरे एनिमल्स कंपाउंड्स मिलकर वाटर बॉडीज में शामिल कर दिए जाएं तो वो भी बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बनते हैं, उनकी वजह बनते हैं। और इसी तरह न्यूट्रिएंट्स ओवरलोडेड टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा होना भी उनके लिए बेनिफिट नहीं है, उनके लिए हार्मफुल है। अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो रेगुलर उनकी लाइफ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो डैमेज होते हैं बहुत सारे वेज में। लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, पानी का कम होना, जो फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फ्रेश वाटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका पिया जाता है। ये आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज में कम हो रहा है, किस वजह से? एयर एंड वाटर पोल्यूशन की वजह से, एयर एंड वाटर पोल्यूशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। नेक्स्ट आपका है इंटॉक्सिकिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर पोल्यूशन। टॉक्सिसिटी आपकी जो कि वाटर पोल्यूशन होती है, ये डेथ की वजह बनती है एक्वेटिक एनिमल्स के, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ की वजह बनती है अगर वाटर के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा पाई जाए। तो ये हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स थे जो कि आज हमने रीड पर किए। स्टूडेंट्स, आज हमने तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमारे पास आ गया हार्मफुल इफेक्ट, जो कि ओजोन लेयर पर पड़ते हैं, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से उस पर इफेक्ट क्या पड़ता होता है उनके बारे में पढ़ा, डिफरेंट पॉइंट्स थे। उसके अलावा उनके प्रिवेंट किस तरह से किया जाता है, उसे बचा किस तरह से जा सकता है, उसके बारे में रीड हमने किया। और डिफरेंट एयर और वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स पड़े कि बायोडाइवर्सिटी जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके ऊपर किस तरह से वो इफेक्ट पड़ते हैं, उनकी लाइफ पर कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट्स या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।